सो आज की इस वीडियो में आपको सदरी की कटिंग की जानकारी मिलने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से और परफेक्ट तरीके से सदरी काट सकेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए आज आपको सदरी की कटिंग की सारी छुपी हुई टिप्स बताते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। सदरी की हमारी लंबाई रहेगी 25 और चेस्ट है 35.5, पेट निकला हुआ है 1 इंच एक्स्ट्रा है 36.5 है, 17.5 हमारा शोल्डर है और 15 इंच हमारा कॉलर। ये हो गई हमारी नाप। आइए आज आपको सदरी की एक एक बातें बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सदरी में बैक कटती है, देखिए यहां से आप हमेशा एक निशान लगा लें, सीधा कर लें कपड़े को और इस निशान से 1 इंच नीचे निशान लगा लें, इस तरीके से इस निशान को भी आपको सीधा कर लेना है। अब क्या करना है, जिस निशान से जितनी आपकी लंबाई हो, हमारी लंबाई है सदरी की 25, तो 25 पर निशान लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से 25 पर निशान लगा लीजिए और इस निशान को सीधा कर लेना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम इसमें 1.5 से 1.25 इंच मार्जिन रखेंगे नीचे। ये हमारा हो गया मार्जिन। हमारा सीने का चौथा भाग यहां पर लगेगा, 35.5 है तो उसको हम लोग 36 पकड़ लेते हैं, 9 इंच पर निशान लगा लेते हैं, ठीक है। एक आध सूत में क्या करें, 35.5 का चौथा ऐसा लगता है, लेकिन यहां पर हम लोग एक सूत कम पड़ रहा है तो 109 इंच कर लेते हैं इसको, इस निशान को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। एक एक चीज आप ध्यान से और बारीकी से सीखिए और सदरी के कटिंग के मास्टर बनिए। हमारी लंबाई कितनी है, 25 का आधा कितना होता है, 12.5 इंच, ठीक है। 12.5 हमने आधा लगाया और यहां से 2.5 इंच नीचे निशान लगा दिया, तो ये हमारा आ गया मार्का पेट का, कितने बार है 15 इंच पे, ये हमारा मार्कर आ गया पेट का, ठीक है। देखिए यहां से जो कन्नी से आप चाहे निशान लगा दें चाहे तो छोड़ दें, लेकिन आपको हम निशान लगा के दिखा रहे हैं, इस तरीके से निशान हमने ऊपर तक लगा लेना है। निशान कन्नी का है, यहां से हमें क्या लेना है 1.25 इंच, ठीक। यहां से हम लेंगे 1.25 इंच और यहां से 1.5 इंच, ये भी 1.5 इंच, ज्यादा शेप इसमें नहीं है इसलिए हम लोग यहां पर शेप कम दे रहे हैं। इस निशानों को सीधा कर लेना है। यदि ज्यादा पेट निकला हो, पीठ पीछे की झुकी हो, तो यहां से आप 1 इंच लीजिए, यहां 1.5 लीजिए, यहां 2 लीजिए और यहां भी 2 सीधा कर लीजिए इस तरीके से। अब जिस तरीके से पट्टी रखे हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से पट्टी आप भी रखना है और इस निशान को आपको मैच कर लेना, सिला सीधा सीधा मिला लेना है इस तरीके से। यहां पर निशान लगता है सीने का 12वां लगता है, ठीक है, या फिर कॉलर का 5वां हिस्सा। ध्यान से सुन लीजिए, जो ये निशान रहता है सीने का 12वां हिस्सा, अगर हमारा चेस्ट 36 है तो 12 × 36, ठीक है, और 15 अगर कॉलर का लगाना तो कॉलर का 5वां हिस्सा, क्लियर है, या फिर सीने का 12वां या फिर कॉलर का 5वां, तो हम लोग यहां पर कॉलर का भाग लगाते हैं। ये हमारा हो गया शोल्डर 17.5 है, ठीक है, 17.5 हम इसमें जो शोल्डर है इसमें मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि सदरी में थोड़ा सा शोल्डर कम ही रहे, आधा इंच अंदर ही रहे, बाहर होंगे तो अच्छे लगेंगे, तो जितना शोल्डर है उतना हमें रख लेना है। यहां पर इस निशान से 1 इंच नीचे निशान लगाना है और इस तरीके से शेप पट्टी को रखना है, इस निशान से मिला देना है, ठीक है, क्लियर एकदम। जो निशान 1 इंच का है यहां से 1 चाप नीचे लेना है और हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब आ जाइए चेस्ट के पास, 35.5 चेस्ट है, 35.5 का चौथा हिस्सा रखना है, ठीक है,
प्लस हाफ इंच का रहेगा मार्जिन इसमें। पेट है 36.5, तो 36.5 का चौथा हिस्सा प्लस हाफ इंच का मार्जिन, जितना यहां पे आ रहा है उतना ही हमें नीचे रख लेना है। आप चाहे तो यहां से नाप लें चाहे निशान से नाप लें, ठीक है। 10.5 आ रहा है, इस 10.5 को यहां पर रख लेंगे और इस तरीके से मार्क को सीधा करेंगे ऊपर तक। इसमें हल्का सा पेट निकला तो सेब इसका इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पर पेट ज़्यादा सीना कम है तो सब्जी सेब इस तरीके से आएगा। अब जो ये चौथा हिस्सा था, यहाँ से हम लोग 1.25 इंच पीछे लेंगे या 1.5 इंच पीछे कर सकते हैं यहाँ से, और इस शेप पट्टी से शेप को मिला देना है। यहाँ पर हमें अब जब कटिंग हमारी होगी तो यहाँ से 1-1 इंच का दबाव छोड़ देंगे इस जगह से, बैग में थोड़ा मार्जिन लेके चलेंगे लूज टाइट और फिटिंग के लिए। सब निशान मार्क पर ही कटेंगे, सिर्फ इधर साइड छोड़ के। इतना मार्जिन हमारे लेके चलेंगे। वैसे जिस नाप से बताएंगे उस नाप से काटेंगे तो आपको लूज टाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस मेन जो है अभी हम आपको यहां बताने जा रहे हैं सामने में, तो सारा मार्जिन जो होता है सामने में ही छोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या कर लेना है, आगे की ओर चाप भर का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है, एक ऊपर की ओर और इस साइड नीचे की ओर। यह निशान हमें नीचे तक लगाना, यहां तक लगा लेना है और अपनी बैक को लेना है इस तरीके से रखिए। ये जो निशान ये है इस निशान से मैच कर जाए यहाँ से, ठीक है। ठीक है ना, पीस पूरा सीधा बिछाते हुए निशान से ही ये निशान मैच कर लेना है और सारे निशानों को उठा लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड केवल निशान यहाँ पर उठाने हैं और यहाँ पर लगभग 1.25 इंच यहाँ से निशान से नीचे कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से बैग को हटा लीजिए, देखिए निशान ऐसे तो ये सीधा यहाँ पे आ रहा है लेकिन हम लोग सामने में थोड़ा लंबाई बढ़ाएंगे 1.25 इंच की। इस तरीके से निशान लगा लीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। यहां से आपको चेस्ट का चौथा हिस्सा रखना है, चेस्ट हमारा 35.5 है। अब यहां से अगर आपको फिटिंग की चाहिए तो आप 2.5 इंच निशान लगा के काट लें, थोड़ा अगर नॉर्मल चाहिए तो यहां से आप 3 इंच रख लें। हम इसमें 3 इंच रखेंगे। इसी तरीके से कमर पे करना आपको, कमर है 36.5 तो उसका चौथा हिस्सा यहां पकड़ लेंगे 2.5 इंच, कमर के पास थोड़ा कम कर देंगे, चेस्ट के पास बढ़ा लेंगे। जितना ये आ रहा है इसी को नाप लेते हैं, यहाँ नीचे लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया, अब क्या करना था, यहां से जो हमने रखा था कॉलर का 5वां हिस्सा, तो हमारा 15 कॉलर था उसका 3 पीछे 15, 3 इंची 1 इंची प्लस कर दीजिए इसमें इस तरीके से, और यहां से लगभग 1.25 इंच की कंधी डाउन करेंगे। शोल्डर को नाप लेंगे 6.5 में 1 सूत कम, यहां से 6.5 में 1 सूत कम निशान लगा लेंगे। बैक में इस तरीके से काटा था, सामने में इस तरीके से गोल कर लेंगे, सिंपल एकदम, ठीक है। ये हमारा 4 इंच है, इधर हम 1/2 इंच कम कर लेंगे इस तरीके से निशान लगाकर
क्रॉस कर लेंगे। यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से पट्टी रखकर आधा इंच का लगभग जो है शेप हम लोग अंदर की ओर देंगे इस तरीके से। सामने में ये हमारा बन जाएगा पौना इंच का है बटो का। चेस का चौथा भाग है, हम एक इंच पीछे लेंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे इसमें और हाथों से दे देंगे शेप इस तरीके से। इस निशान से लगभग 8 इंच ऊपर रहेगी पॉकेट, इस साइड से 4.25 इंच छूटेगी और 5.25 इंच का पॉकेट का मुंह रहेगा। ये बन गई पॉकेट हमारी। और वॉलेट यहां से रहेगी 2.25 इंच की दूरी पे और 4.25 की बन जाएगी वॉलेट। सिंपल देखिए, इस तरफ चाप भर का मार्जन देना है, बाकी सब तरफ मार्जन से ही कट जाएगा। सामने में कोई मार्जन नहीं देता है, ठीक है। इस साइड हमें चाप भर का सिलाई का मार्जन देके चलना है। इस तरीके से हमारी सदरी की कटिंग कंप्लीट हो गई है।